So hey guys, welcome again on this my beautiful amazing YouTube channel Chetan's Lecture. So guys, finally अब जाकर अपना 8th chapter इस वीडियो में खत्म होता है. आज हम 10th पार्ट करेंगे guys, trigonometry की एक्सरसाइज का 8.4 का. बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, इतनी टेंशन मत लिया करो. बस यू ऑल नीड टू नो अबाउट द trigonometry इज द बेसिक फॉर्मूलाज एंड लिटल बिट ऑफ प्रैक्टिस. व्हेन वी आर गोइंग टू do these things, you are going to be the super awesome rock stars of the trigonometry. आपसे अच्छी trigonometry कोई नहीं कर पाएगा guys, 10th level तक तो. बिल्कुल easy है 10th level तक तो, इसीलिए. So finally अब ये complete हो जाएगी, इतनी तो कर देते हैं, इसे भी complete. And by the way guys, मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया. So this is Jatin, a 15-year-old 11th class student in front of you on this beautiful channel, Jatin's Lecture. So guys, I hope introduction कैसा लगा, दमदार ना बिल्कुल. सो चलिए अब ये प्रूव करना है हमें, इस चीज को भी हमें 10 स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है एंड इस चीज को भी करना है. सो ये दोनों को करके दिखाना है. कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. एक और देते थे तो भी कर लेते है ना, अपना क्या जाता है. सो चलो करते हैं. देखिए 1 + tan² a / 1 / cot² a, ये चीज की बना. सो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं. 1 + tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, और होल के डिनोमिनेटर में है 1 + cot. सो कोट को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए. यहां तक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लिख लेते हैं. ये ब्रैकेट हटाओ ना गाइस, क्यों रखना, हटा ही देते हैं इसे. ये हट गया. देखिए अब एलसीएम लीजिए इसका. एलसीएम ऊपर आएगा कोस स्क्वायर ए. नाउ कोस स्क्वायर क्या बनेगा, हाँ कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. अब होल के डिनोमिनेटर में फिर से गाइस इसका एलसीएम लेते हैं तो बनेगा साइन ए, साइन स्क्वायर ए सॉरी. अब अरे बाप रे गाइस, लाइट चली गई. चल कोई बात नहीं, फिर भी क्लियर है, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो करते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर ए ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. यहां तक क्लियर है, क्लियर है. अब देखिए गाइस, दिस थिंग इज गेट कैंसल विद दिस थिंग. क्यों, क्योंकि ये वाली चीज यहां पर मल्टीप्लाई होती है एंड ये वाली चीज सबसे टॉप पर जाती है. सो ये वाली चीज को यहां पर लेके आएंगे, ये वाली यहां पर आएगी तो कट हो जाएगी, ये ऊपर लेके आते हैं. सो ये बनेगी साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए. सो साइन स्क्वायर मीन, देखिए अब साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है. सो लिख दीजिए इसे टेन, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए. सो हो गया ना गाइस, एक बार लाइट आ रही है गाइस, एक बार जा रही है, पोपट का रखा बिल्कुल. देखिए टेन स्क्वायर हो गया, हो गया, क्या चाहिए था टेन स्क्वायर आ गया, ये वाला तो आ गया. ये वाला और करते हैं, इस बुड़बक का और काम तमाम कर डालते हैं गाइस. दो अब तो हम एक्सपर्ट हो गए इस चीज में, अब क्यों रुकना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर डालो सारे क्वेश्चन. अब देखिए बात बिल्कुल सेम है, बस स्क्वायर यहाँ पर था, अब की बार इन्होंने भाग लगा दिया, थोड़ा कंफ्यूज ही आ गए हैं हम, ऐसे नहीं कहेंगे हम. उन्होंने सोचा बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, बच्चे उससे भी टैलेंटेड, हम तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, कर डालो फिर. देखिए अब स्क्वायर को बाहर ही रखते हैं, भाई तू थोड़ी देर के लिए बाहर ही रह, तेरे जरूरत होगी तब हम बुला लेंगे. सो 1 - 10 को लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए, और होल के डिनोमिनेटर में गाइस कोट, 1 - cot, तो कोट को लिख सकते हैं हम कोस ए बाय साइन ए. लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं. और इस भैया जी को बाहर ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, भैया जी आप बाहर रहिए थोड़ी देर के लिए, बाद में बुलाएंगे आपको. सो एलसीएम लीजिए गाइस, ऊपर बनेगा कोस ए, सो कोस स्क्वायर ए ना सॉरी कोस ए माइनस साइन ए, और होल के डिनोमिनेटर में इसका फिर से एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा साइन ए. नाउ साइन ए माइनस कोस ए,
और इस भाई साहब को बाहर रखते हैं, अब भी भारी बाहर निकाल दिया इसको, बिल्कुल ही बाहर। अब देखिएगा इस एक इम्पोर्टेंट स्टेप, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे इसको काट डालते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी ना काट डालेंगे, ऐसे नहीं मरेगा ये, जिद्दी लौंडा है। सो अब क्या किया जाए, देखिए अब हमें चाहिए यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए था और यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए है। सो देखिए अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ, यहाँ माइनस लगा दूँ और माइनस, एक सेकेंड रुकिए, और माइनस वन कॉमन ले लूँ बाहर, सो कुछ गलत किया मैंने? हाँ बहुत गलत किया, अन्याय किया बेचारे, प्लस के साथ माइनस रख दिया, माइनस के साथ कोस रख दिया, बहुत अन्याय किया, बट मैथमेटिकली ये सही है गाइस। कैसे, अब देखिए अगर मैं इसे सोल्व करूं तो क्या बनेगा, वन माइनस वन मल्टीप्लाई विद माइनस साइन ए, क्या बनेगा साइन ए, और इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस ए, तो वही वाली टर्म बन जाएगी। मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा अरेंजमेंट किया, बट रिजल्ट सेम आ रहा है हमारा, तो सही है अपना, सही है, इतना तो सही है, सही है। अब देखिए माइनस का साइन है सै, सॉरी सै बोल रहा हूँ मैं, है कोस ए है, कोस ए है, काट डालो, कट गया, भाग जाए यहाँ से। So, ये ऊपर चला जाएगा, साइन तो माइनस का रहेगा ही, तो साइन ए माइनस का साइन ए बाय कोस ए, भाई साहब बाहर रहो थोड़ी देर और सहन करो। अब देखिए ये चीज होगी, आगे करते हैं, साइन ए बाय कोस ए क्या होता है गाइस, टेन ए, लिख दिया टेन ए, माइनस था माइनस, ये भाई साहब अभी भी जिंदा ही है, इनको भी खत्म करना पड़ेगा कैसे ना कैसे, अगर टू ए चाहिए, और ए माइनस को भी खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर तो चाहिए, बस हमें अंदर लाना है स्क्वायर, क्या करें। अब देखिए गाइस मेरी बात सुनिए, ये स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड माइनस टेन ए, बात तो सेम ही है, हम ऐसे लिखते हैं, ए का स्क्वायर को हम ए मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हम, अन्याय नहीं कर रहे बेचारे, एक साथ लिख सकते हैं। अब देखिए सो माइनस टेन स्क्वायर माइनस टेन मल्टीप्लाई टेन क्या बनेगा, टेन ए, सॉरी टेन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, प्लस का हो जाता है, सो सिमिलरली प्लस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। आ गया भाई अपना आंसर, तो देखिए ओहो भाई साहब दोनों सेम है, चंदो रे, सो आंसर आ गया ना गाइस 10A। अब बोलो बुक्स, बुक बनाने वाले, हमने आंसर सॉल्व कर डाला। सो गाइस चलिए फाइनली ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है, ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वीडियो होगी 8th चैप्टर की, जहां पर मैंने सब कुछ करा दिया गाइस। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड यू एंजॉयड अ लॉट व्हाइल सीइंग दिस क्वेश्चन आई एम वाज सॉल्विंग ऑन द बोर्ड। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय गाइस।